जय हिंद, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी के कुछ खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से शुरू किए गए पौधारोपण अभियान के तहत आज प्रदर्शनीय मैदान के निकट बनाए गए अटल पार्क में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तथा अन्य भाजपा नेताओं ने पौधारोपण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक विशाल परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कोई भी पार्टी नेतृत्व पर एक रुपए के भ्रष्टाचार पर आरोप नहीं लगा सकता। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, हमने देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त किया है। पार्टी के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर ट्वीट करते हैं, जो उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजग के बैनर तले ही चुनाव लड़े जाएंगे। जिन दलों ने राजग में शामिल होने का फैसला किया है, उन्हीं दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान सांसद अनुराग शर्मा सहित सभी जनप्रतिनिधि तथा पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या है, देखो, हर काम करना चाहिए, शुरू करो। समाज जब तक जन आंदोलित नहीं होगा, जैसे स्वच्छता अभियान आदरणीय मोदी ने शुरू किया, आज सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये होगा। मोदी जी ने स्वीकार किया, पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। वृक्षारोपण भी जन आंदोलन है, समाज का आंदोलन है, कोई एक संगठन के बदौलत नहीं चलने वाला है, पूरा समाज इसके साथ जुटेगा। और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, तब तक वृक्षारोपण ठीक ढंग से बृहत वृक्षारोपण हो, सरकार भी, सामाजिक संगठन भी, एनजीओ भी, सभी मिलकर काम करते हैं तो एक राज्य का वातावरण बनता है और सरकार का सहयोग करते हैं, इसमें सभी लोगों को लगना चाहिए। और वृक्ष कैसे बचे इसकी चिंता करना चाहिए कि इसी से ऑक्सीजन मिलता है, जीवन मिलता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और इससे सब कुछ हो, इसलिए सभी को चिंता करनी चाहिए।